अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सात बेरी के पत्तों से काले जादू और नजरे बद का इलाज बताने वाले हैं। ये अमल बहुत ही पावरफुल अमल है। अगर आप पर काला जादू हो गया है या नज़र लग गई है तो आप इस अमल को कर लें, आपको शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस अमल की इजाज़त आम है, इसके लिए आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जब भी ये अमल करें तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें ताकि हम आपके और आपके अमल के लिए दुआ कर सकें। तो चलिए अब बात का आगाज़ करते हैं। हमने अपने चैनल पर 3 या 4 वीडियो काले जादू के ऊपर डाली हुई हैं। हमने उन वीडियो में आपको बताया है कि काले जादू से क्या क्या होता है, किन किन कामों पर बंदिश करा दी जाती है, काले जादू की क्या क्या निशानियाँ हैं। निशानियाँ भी दोस्तों हमने अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि हमारे ऊपर काला जादू है या नहीं और काले जादू के बारे में बहुत कुछ जानना है तो आप उन वीडियो को देख लें, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब हम अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं। ये अमल किस तरह करना है आप ये सुन लीजिए। आपने 7 बेरी के पत्ते ले लेना है। 7 बेरी के पत्ते ले लेने के बाद, बेरी के पत्ते मतलब एक बेरी का पेड़ होता है, उससे आपने 7 पत्ते ले लेना है। 7 बेरी के पत्ते लेने के बाद एक बर्तन में ज़्यादा सा पानी लेना है, फिर उस पानी में पत्तों को डाल देना है। पानी में पत्तों को डालने के बाद उस पानी को गर्म करना है। जब पानी ठीक तरह से गर्म हो जाए यानी खौल जाए तो उस पानी को ठंडा होने दें और इतना ठंडा होने दें कि वो नहाने लायक हो जाए, यानी थोड़ा गुनगुना। फिर उस पानी से आप नहा लें तो इंशाल्लाह 1 साल तक जादू टोना, नजरे बद वगैरह आप पर असर नहीं करेगी। दोस्तों, ये बहुत ही आसान अमल है। इस अमल को आप शबे बरात यानी 20 अप्रैल 2019 को मगरिब के बाद कर लें। इंशाल्लाह 1 साल तक जादू टोना, नजरे बद वगैरह से महफूज रहोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।